जयपुर के घाना स्थित घाना घाट में नावे लगाकर रेत माफिया द्वारा अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा था। पुलिस व प्रशासन की टीम ने जब दबिश दी तो सभी चौंक गए। माफिया द्वारा नर्मदा नदी को छलनी कर घाट किनारे रेत का पहाड़ बनाया गया था, जिसे जब्त किया गया है। प्रारंभिक कार्रवाई के दौरान करीब 5 डंपर रेत जब्त की गई है। आपको बताते चले, सूत्रों के अनुसार गत दिवस एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा देहात क्षेत्र के सभी राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों की बैठक लेकर सख्त निर्देश दिए गए थे कि नर्मदा नदी के ऐसे स्थानों व घाटों पर सतत निगरानी रखी जाए जहां पर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। उसके बाद रांची सीएसपी और टीआई सतीश पटेल व थाने के स्टाफ द्वारा घाट की घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखते ही रेत माफियाओं में भगदड़ मच गई और वहां मौजूद सभी लोग भाग गए। मौके पर घाट किनारे बड़ी मात्रा में नदी से निकाले गए रेत का ढेर लगा हुआ था। कार्रवाई के सूचना पाकर खनिज अधिकारी मौके पर पहुंचे और घाट किनारे पड़ी हुई अवैध रेत की नपाई कराई गई, जो कि 75 घन फीट होना बताई जा रही है। नदी में कूदकर भागे रेत माफियाओं के गुर्गे। सूत्रों के अनुसार घाना घाट पर रेत खनन में जुटे रेत माफियाओं के गुर्गों को जैसे ही पुलिस कार्रवाई की भनक लगी, वे नाव छोड़कर नदी में कूदे और तैरकर दूसरे घाट पर पहुंचकर भाग निकले। महीनों से हो रही थी रेत की निकासी। आपको बता दें, ग्रामीण से पूछताछ में पता चला कि घाना घाट पर कई महीनों से रेत की निकासी की जा रही थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि नर्मदा नदी से रेत उत्खनन का कार्य ग्राम घाना निवासी किसी राजेश पटेल के द्वारा कराया जा रहा था, लेकिन पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। वहीं लोगों में चर्चा है कि यह कार्रवाई केवल एक दिखावा है। वहीं पुलिस अवैध रेत उत्खनन करने वालों की पता साजी में जुटी है। पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ पगुणा सर के द्वारा लगातार सभी थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाता रहा है। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक महोदय को कोई मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, जिसके पर सीएसपी रांची मैडम और टीआई गोरखपुर मैडम और गोरा बाजार एसओ गोरा बाजार की टीम और तिलवाड़ा टीम के द्वारा एक दबिश दी गई, जहां पर घाना घाट पर जो है करीब 5 हाईवा रेत अवैध रूप से डंप की गई पाई गई। खनिज अधिकारी खनिज निरीक्षक दीपा पारेकर मैडम भी मौके पर आई, जिनके द्वारा खनिज को जब्त करके और जो लाइसेंसी आराध्य ग्रुप कंपनी है इनको सुपुर्दनामे भी दी गई और कार्रवाई की गई। आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।